बिना कोई भी बेकिंग के और बिना ऑयल, बिना बटर और बिना मैदा और बिना कोई भी क्रीम यूज किए आज घर पर रखी हुई सिंपल सी चीजों के साथ बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी सा सिर्फ 10 मिनट में बन जाने वाली चॉकलेटी केक, जिसमें चॉकलेट केक होगा, साथ में होगी होममेड चॉकलेट सॉस। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आती है चैनल को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से वाईटी फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू नाजिमाज किचन। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया हाफ कप दूध, उसको गर्म कर लिया। गर्म इतना करना है कि आप हाथ लगा सको। तो देखिए, एक कप में हमने हाफ कप दूध डाल दिया और 1 टीस्पून विनेगर डाल दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि दूध फट जाए और रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो हम बनाएंगे चॉकलेट केक पैन में, जो कि हमने यहाँ पर टिन का इस्तेमाल नहीं किया, हमने नॉन स्टिक का पैन इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये नॉन स्टिक का पैन है या कोई भी नॉर्मल पैन जिसमें हम दाल फ्राई बनाते या अंडा बनाते हैं, आप वो यूज़ करना। इसमें हमने ग्रीस कर लिया है, बटर या घी के साथ आप ग्रीस कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने ग्रीस करने के बाद पार्चमेंट पेपर लगा दिए, उसके ऊपर हमने वापस ग्रीस कर लिया। देखिए इतना अच्छा सा हमारा होममेड बटर मिल्क बनके रेडी हो गया है। अभी यहाँ पर हम लेंगे बाउल, बाउल में हम डाल देंगे बटर मिल्क जो हमने प्रिपेयर किया था। उसके बाद हम डाल देंगे 1/4 कप ऑफ घी। घी ऐड करने के बाद हम ऐड कर देंगे 1/2 कप शुगर पाउडर। ठीक है, शुगर पाउडर ऐड करने के बाद इन सबको विस्क की हेल्प से अच्छे से 30 से 40 सेकंड तक मिक्स करेंगे, तब तक ये मिक्सचर क्रीमी ना हो जाए, हमें इतना मिक्स करना है। फिर मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर लेंगे छन्नी, इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप ऑफ गेहूं का आटा। मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, क्योंकि हमें विनेगर यूज़ किया है इसलिए। और यहाँ पर हमें इसे छान देना है। अच्छे से छानने के बाद हमें ये स्पेक्टुला की हेल्प से कट एंड फोल्ड मेथड इस्तेमाल करना है। ठीक है, हमें एकदम स्लो कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करना है, एकदम फास्ट या ओवर मिक्स नहीं करना ये स्टेज पे। और हमने यहाँ पर 1 कप ऑफ मिल्क ले लिया है, मीन सबसे पहले हमने 1/2 कप मिल्क ऐड कर लिया था, उसके बाद हमें लगा तो हमने और 1/2 कप मिल्क ऐड कर लिया, तो मतलब टोटल 1 कप ऑफ मिल्क हमने ले लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी देखिए मिक्स करने के बाद ये लग रहा है ना कि थोड़ा लम्स हो गए, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। इसके बाद आप विस्क की हेल्प से वही डायरेक्शन में आप मिक्स करते रहिए। देखिए कितना अच्छे से मिक्स होकर रेडी हो गया, लम्स भी नहीं है, और आप देख सकते हैं कितना रिबन फॉल कंसिस्टेंसी हो गया है। हमें इस तरीके का कंसिस्टेंसी चाहिए, रिबन फॉल। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी हम जो हमने पैन को प्रिपेयर कर लिया था, उसमें हम ऐड कर देंगे हमारा चॉकलेट मिक्सचर जो हमने प्रिपेयर किया था। तो यहाँ पर मिक्सचर ऐड करने के बाद हम इसे टैप कर लेंगे पैन को। पैन को टैप करने के बाद टूथपिक की हेल्प से अच्छे से घुमा देंगे ताकि छोटे एयर बबल्स वो हट जाए और बेक करने में आसानी हो जाए। अभी यहाँ पर गैस का फ्लेम स्लो फ्लेम पे हमें इसे बेक करना है सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये बेक होकर रेडी हो जाएगा और ऊपर का कवर है वो लिड कवर कर लेंगे और जो होल दिख रहा है वो फॉइल पेपर से इसे कवर कर लेंगे ताकि एयर बाहर ना आ जाए। और अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि मोटे तले का पैन कैसा होता है, तो सबसे पहले क्या करना, रोटी का तवा लेना, उसको हाई फ्लेम पे गर्म कर लेना अच्छे से। जैसे गर्म हो गया पैन को रख देना और 18 to 20 मिनट्स के लो फ्लेम पे बेक कर लेना। तो देखिए हमने यहाँ पर 10 मिनट के लिए इसे बेक कर लिया था। देखिए टूथपिक हमने इंसर्ट करके देखा कितना क्लीन एंड क्लियर आ गया, इसका मतलब बेक प्रॉपरली हो गया है। अभी हम यहाँ शुगर सिरप बनाएंगे। वार्म वाटर में मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून ऑफ शुगर पाउडर डाल दिया था और उसको साइड पर रख दिया था ठंडा होने के लिए। अभी हम चॉकलेट सॉस बनाएंगे। सबसे पहले पैन ले लिया था, फ्लेम को ऑन नहीं करना है। इसके बाद हमें ऐड करना है 1 कप ऑफ मिल्क, 2 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर और जो मेरे पास डार्क चॉकलेट कंपाउंड पड़ी थी वो मैंने इसको अच्छे से चॉप कर लिया था। उसके बाद चॉप करने के बाद यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था 1 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। उसके बाद इसको अच्छे से हम विस्क की हेल्प से पहले मिक्स कर लेंगे, फ्लेम ऑन नहीं करना है। मिक्स करने के बाद 1/4 कप ऑफ शुगर डाल देंगे, 1/4 कप ऑफ मैंने अमूल फ्रेश क्रीम लिया है। ठीक है, आप घर की मलाई भी ले सकते हैं और थोड़ा सा चॉकलेट ही बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है डार्क कंपाउंड चॉकलेट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम तक इसे चलाते रहना है। अभी गैस का फ्लेम को ऑन करना है और लो फ्लेम तक इसे हमें हल्के हाथों से चलाते रहना है कंटिन्यूसली। देखिए कितना थिक हो गया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इतना हमें थिक चाहिए। अभी चॉकलेट सॉस बनके रेडी हो गया है और बहुत ही डिलीशियस। आप ये चॉकलेट सॉस कोई भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा साइड पर रखेंगे।
यहाँ पर हमारा जो केक हमने बेक किए थे वो भी रेडी हो गया ठंडा होके। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से डिश आउट कर लेंगे, मींस जो ऊपर जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको अच्छे से रिमूव कर लेंगे। देखिए कितना मज़ेदार बन के रेडी हुआ है, एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी। अभी हम फिर से इसे उठा के पैन में डाल देंगे। पैन में ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने ले लिया है फोक, फोक की हेल्प से इसको अच्छे से ब्रेक कर लेंगे और शुगर सिरप जो हमने बनाया था वो इसे अच्छे से ऐड कर लेंगे ऊपर, ताकि केक मॉइस्ट हो जाए। हमें इस मॉइस्ट करना है, ठीक है, ताकि बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट लगे केक खाने में। तो हम शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे और देखिए कितना अच्छे से रेडी हो गया। अभी हम चॉकलेट सॉस इसके ऊपर ऐड कर देंगे। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बन के रेडी हुई थी हमारी चॉकलेटी केक की रेसिपी। और इसको अच्छे से स्पैटुला की हेल्प से अच्छे से सारी तरफ हम स्प्रेड कर लेंगे। और गार्निश करने के लिए यहाँ पर मैंने पिस्ताशोज लिया है, पिस्ताशोज का अच्छे से पाउडर बना के ऊपर से अच्छे से गार्निश कर लेंगे। देखिए चॉकलेट और पिस्ता का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है और कितना क्रिएटिव और कितना कलरफुल लग रहा है, कितना मस्त कॉम्बिनेशन है। अभी आप देख सकते हैं काटने से ही आपको पता चल रहा है कि कितना अच्छा और डिलीशियस टेम्पटिंग बना था चॉकलेट केक। तो देखिए अभी हम इसे खाएंगे और बहुत ही मज़े का बना था और बिना मैदा, बिना कोई भी ऑयल यूज़ किए, बिना बेकिंग किए, सिर्फ और सिर्फ चॉकलेटी केक 10 मिनट में बन के रेडी हुआ है, वो भी नॉनस्टिक पैन में। देखिए आप लोग भी ज़रूर बनाना और अभी हम खाते हैं और आप लोग भी खाइए, इंजॉय करें। आई होप आप लोग को चॉकलेटी केक की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलती हूँ एक अगली रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।